गांव में रहता हूँ, वहाँ जो मेरा घर है उसका मतलब एक शॉर्ट वीडियो इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वाइज बने रहिएगा और आप लोग को देखने में मजा आएगा कैसे मेरा घर है और कैसा क्या है। वाइज ऊपर का कुछ नज़ारा ऐसा है, ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है कपड़ा वगैरह। वो देखिए, वो देखिए उधर डिस्क उल्टा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है, टूट के गिरा हुआ है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सो गाइज, आज का ब्लॉग है, इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा अपना घर, यानी कि मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ जो मेरा घर है उसका मतलब एक शॉर्ट वीडियो इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइज बने रहिएगा और आप लोग को देखने में मजा आएगा कैसे मेरा घर है और कैसा क्या है। तो गाइज़ ये जो है मेरे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, अभी हूँ मैं अपने गली, जो गली है मेरा घर के बगल का उसमें, और ये जो साइड में ये दिख रहा है ये मेरा घर है, दिखाता हूँ फ्रंट से, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट बन रहिएगा। तो भाई चलते हैं। तो भाई ये गली है, ये आती है, ये जो घर है अभी मेरा जो है अभी बन ही रहा है, मतलब काम लगा हुआ है। ये जो इसमें अभी मैं खड़ा था, ये यहाँ पे गेट होगा अभी फ़िलहाल है, जो ये गेट लगा हुआ है ये समझ रहे हो, ठीक है। ये इधर है और इसका लास्ट पॉइंट यहाँ है, ये एक व्यू मैं पीछे शॉट लेता हूँ एक। और इधर जो है खेत है, खेती सब लोग का है। ये पूरा इधर वो खेत, और ये जो है ये जो खपड़वल दिख रहा है वो यही मेरा है। इसके बगल में जो भी जो बना हुआ है थोड़ा सा हल्का, वो भी मेरा ही, मतलब अभी काम अभी जो है चालू होगा तो पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा तो उसका वीडियो पेंट डालूँगा। ये गाइस ऐसे इंटर होता है, ये है चूल्हा जिस पे खाना बनता है, ये भी है क्या यहाँ पे। और ये एक रूम है, इसमें ऐसे कोई मतलब लकड़ी वकड़ी ऐसे सब रखा होता है बेकार का सामान। और गाइस ये जो मेरा है मेरा घर जिसमें मेरा बचपन गुजरा है, बचपन क्या अभी तक मतलब इसी में रूम में रहा, जहाँ मतलब 15 से 16 साल तक इसी रूम में रहा कमरा में। ये जो है टीवी जो कि चलता नहीं है, ये डिस्क भी चलता नहीं, टीवी ये पूरा वायर ये सब है चलता नहीं है। और ये कुछ तस्वीरें हैं मैं दिखा देता हूँ, ये तो मेरा बहुत पहले का है। ये मेरी और मेरी दीदी दोनों का है, ये मेरी दीदी है, उसके बगल में छोटा सा मैं, छोटा सा प्यारा सा नैना सा, और ये मेरी दीदी का, और ये यहाँ मैं हूँ, ये जो दिख रहा है मैं हूँ, और ये मेरी बड़ी बुआ की बेटी काजल दी। तो ऐसा कुछ है, बेड इधर है, मैं फ्रेंड्स दिखाता हूँ। तो गाइस ये मेरा रूम है, पहले तो जो बेड था वो इस साइड था, यहाँ था, लेकिन अभी 2-3 सालों से यहाँ पे आ गया है बेड पूरा, ठीक है। और कुछ देखिए ये अलमारी है, इसमें मेरा कॉपी किताब रखा होगा कुछ कुछ इधर अंदर में, इसी पे मतलब पहले पढ़ता था जब शायद 8 तक था, तब 8-9-10 तक। और इसके में कुछ ये सब है वगैरह, ये सब बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स, और ये इधर पूजा वगैरह का सामान यहाँ पे, और इतनी गिरा हुआ था कपड़ा, इसमें मेरा कपड़ा हैंगर है मेरा। और ये देखिए गाइस ये है एक टेबल, मतलब बॉक्स क्या बोलते हैं इसको, एक बॉक्स है, बक्सा है लकड़ी का, यहाँ पे नेमी है, एक छोटा सा बक्सा मतलब ऐसे ही आयरन वगैरह,
तो ये थोड़ा सा कमरा है, थोड़ा सा नहीं लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो गाइस इस पे मैं सोता नहीं हूँ अभी, इस पे मैं नहीं सोता हूँ, इस पे पापा में सोते हैं और मेरा रूम इधर है साइड में, तो उसमें जब मैं आता हूँ तब। वैसे इसमें अभी जो है मैं नहीं सोता हूँ, इस पे पहले इसी रूम में मैं, पापा मम्मी दीदी सब सोते थे इसी रूम में। तो चलते हैं अगला रूम, मेरा रूम देखिए मजा आएगा। ये गाइस मैं अपने रूम में घुस गया। यहाँ पे टेबल है मेरा, इसमें बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं सिर्फ नाम के ही, समझ रहे हो इधर। और ये गाइस ये जो मैंने वीडियोस बनाने के लिए ली थी, लेकिन एक भी वीडियो ऐसा बना नहीं है। और कुछ पेंटिंग वगैरह उधर है, ये भी हमको कोई गिफ्ट किया है पे, जो हॉर्स वाला है, 7 हॉर्स वाला पेंटिंग को गिफ्ट किया मैं, जहाँ मैं होम ट्यूशन पढ़ा था पटना, वहाँ पे उन लोगों ने किया है बच्चों ने। और ये गाइस ये देखिए कुछ यहाँ पे जो है, ढेर सारे भगवान जी हैं, और इधर कुछ मेरी उपलब्धियाँ हैं, इधर मेडल्स हैं, ये देखिए ये 4 मेडल हैं, सब क्विज में मिला हुआ है और क्रिकेट में ऐसा मिला हुआ है। कुछ कप हैं 1 2 3, और कुछ ग्लोब है, ऐसा भी प्राइज़ में मिला हुआ है, और सब सर्टिफिकेट रखा हुआ है सब। और ये कुछ तस्वीर जो है, ये जो मैं तस्वीर है ये मेरा 8 क्लास का है, इसमें मैं ये हूँ, ये जैकेट पहने हुए, बाकी सब मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। याद करने के लिए देख लेता हूँ इस पे कुछ। और ये समझ रहे हो एक बक्सा ही अलग से आ गया, और ये मेरा बेड है समझ रहे हो, चलाने वगैरह अभी तक ऐसी हैं। और एक खिड़की, इसमें ज़बरदस्त का लुक आता है भाई बाहर से, समझ रहे हो। पूरा हरा भरा हवा आता है, बहुत मस्त। तो ऐसे ये था मेरा रूम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये पंखा है, तो काफ़ी छोटा रूम है मेरा। और चलता हूँ आगे, यहाँ दादी का रूम है, उस पर चलता हूँ। जी आप क्या दादी करो, लाइट जलो भाई, लाइट जल गया। ये है दादी करो, बहुत सारे सामान वगैरह मतलब ऐसे ही रखे हुए हैं, इधर देखिए सब डिब्बा डिब्बी। तो भाई गांव में ऐसे ही होता है घर सबका, तो मतलब बना हुआ नहीं कुछ, अभी तो मतलब अच्छा से बना ही नहीं। इधर खिड़की है, मेरी भी एक खिड़की है, तो ये है छोटा सा रूम दादी का। और बाकी जो इधर है अब ये है छोटा सा रसोई मेरा, सो किचन लोग बोलते हैं, ये वगैरह बहुत सारे मतलब जो है खाने पीने की, यहीं पे खाना बनता है मतलब, तो कभी कभी गैस पे भी बनता है, कभी कभी चूल्हे भी बनता है, ठीक है, दोनों मिला जुला के काम होता है। और ये इसके नीचे है, ये आता है सीढ़ी ऊपर,
तो ये चलते हैं ऊपर। ये है छत, समझ रहे हो, यहाँ से भाई नज़ारा ही कुछ और है घर का। और ये जो सामने दिख रहा है ये सब घर, ये भी रूम है, तीन चार रूम, ये सब बनने वाले हैं अब। ये कुछ हल्दी वगैरह पसारा हुआ है इस पर। वाइज ऊपर का कुछ नज़ारा ऐसा है, ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है ये कपड़ा वगैरह। वो देखिए, वो देखिए उधर डिस्क उल्टा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है, टूट के गिरा हुआ है, दिख रहा है वो हाँ। तो ये है, और इधर आते हैं, इसमें अभी सब बन ही रहा है, ये सब रूम है। और एक इधर है, और ये सीढ़ी होगा पूरा जो है, यही है छोटा सा मेरा प्यारा सा घर। इसमें हम बहुत खुशी से रहते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो आप लोग के सब्सक्राइब का और आप लोग के लाइक का, तो उस कमी को आई होप आप लोग पूरा करेंगे। तो जल्दी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ नीचे का नज़ारा देखते हैं, यहाँ से कैसे दिखता है मेरा घर। सो गाइस, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।